जय भीम। नव बुद्धा साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। आज वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में कुछ बात करेंगे नए इंफॉर्मेशन की। तो आज हम समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि चैत्र महीना में ये जो गुड़ी पाड़वा हम साजरा करते, गुड़ी पाड़वा जो है वो हम सेलिब्रेशंस करते हैं, तो ये गुड़ी पाड़वा आखिर है क्या और इसको किसने आज तक हमें ये बताया नहीं है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसकी जानकारी हर लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए ये प्रयास है दोस्तों, तो इसको लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक शेयर जरूर कर लीजिए। ये जो बातें हम बताने वाले हैं दोस्तों, तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहे ताकि आपको सच्चाई पता चलेगी किस तरीके से हमारी संस्कृतियों को बांट कर, हमारी संस्कृतियों को हिस्सा लेकर अपनी संस्कृति बताई गई और इसी महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जिसे हम इसको कालगणना कहते हैं। तो इस कालगणना का निर्माते कौन है, किस कौन सी कालगणना है और कौन सी कालगणनाओं को लोगों ने निर्माण किया है, इसकी हम जानकारी करें लेने वाले हैं। तो दोस्तों पहले हमें पता चलेगा कि आज जो हम यूज़ करते हैं वो शके है। जो शके नाम का जो हम यूज़ करते हैं इसे शक संवत कहा जाता है और ये शक संवत की निर्मिति किसने की है, इस भारतवर्ष में जो ये कालगणना है इसकी निर्मिति कौन से राजाओं ने की है, इसकी जानकारी हमें आज हम आपको देने वाले हैं। और दोस्तों हम आपको ये ज़रूर बताएं कि इसकी सच्चाई क्या है, तो ज़रूर ध्यान से सुनो इस वीडियो को और देखने का प्रयास करो कि किस तरीके से ये इंफॉर्मेशन मिली है। जैसे कि आप सभी को पता रहेगा कि गुड़ी पाड़वा ये नए साल का हिंदू वर्ष में, हिंदू धर्म में इसे नया साल मानते हैं और बहुत बड़ा सेलिब्रेशन भी करते हैं। तो वैसे कि भारतवर्ष में तो नहीं कि सेलिब्रेशन किया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसे ज़्यादा सेलिब्रेशन किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब सीधा है, इसका मतलब है कि महाराष्ट्र सातवां राजों का राज्य हुआ करता था। तो उस समय महाराष्ट्र में सातवां, ये महाराष्ट्र का पहला ज्ञात राजवंश है और ये सातवां जो है वो चक्रवर्ती सम्राट अशोक के मांडलिक है। दोस्तों अभी यह हमें पता चलेगा कि अशोक के बाद इन्होंने अपना खुद का राष्ट्र घोषित कर लिया। उसी समय में महाराष्ट्र में ईसा फर्स्ट में जो कनिष्क नाम का सम्राट है, इनका कुषाण डायनासी है, कुषाण साम्राज्यों में कनिष्क के मांडलिक महाराष्ट्र में क्षत्रप हुए करते, तो उन्होंने यहाँ पे राज किया है। अभी आएंगे गुड़ी पाड़वा के पास ही। गुड़ी पाड़वा आखिर होता क्या है और गुड़ी पाड़वा में क्या किया जाता है, तो ये नए साल की शुरुआत मानी जाती है और इस नए साल की शुरुआत में लोगों को ये बताया गया है कि ये जो है ये बहुत सारे इसमें बातें और कथाएं हैं। तो पहले हम कथा सुने ताकि हमें पता चलेगा कि किसने क्या 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 नहीं किया है। तो पहले कथा सुनेंगे और उसके बाद जाएंगे। तो लोग कहते हैं कि इस समय इस दिन ब्रह्मदेव ने सृष्टि का निर्माण किया है। कहिए कहते कि इस दिन प्रभु रामचंद्र 14 वर्षों का वनवास काट कर रावण लंकाधिपति का, जो रावण है राक्षसों का प्रभाव करके, वो लोग अयोध्या में आए थे। उसके बाद ये कहा कि शालिवा नाम के कुंभार के लड़के ने शकों का पराभव करके 6000 माटी के पुतले तैयार करके उनमें प्राण डालकर उन दिन शकों का पराभव कर लिया, इसलिए उसे शालिवाहन शक कहा जाता है। उसके बाद ये कहा जाता है कि मानव ने जो भगवान की कल्पना और पूजा करने की ये ठान ली, तो उस समय देवी के रूप में इसे पूजा करते, तो आदि माता पार्वती माना जाता है और पार्वती और शंकर का जो विवाह है वो इसी दिन हुआ था। तो ये बहुत सारे हमें ये इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है दोस्तों। तो ये जो बातें हैं, तो ये बातें अगर क्यों इसको फैलाया गया, तो इसकी जानकारी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों लगभग शक जो है, जिसे हम कहते हैं कि शक सम्राट कनिष्क है, इन्होंने ईसा पहली शताब्दी में ईसा 78 में पहला शक का निर्माण किया है, उसी से शक संवत शुरू हुआ है।
और दूसरा कहा जाता है कि शालिवाहन कुंभार, तो ये बहुत ही घटिया इंफॉर्मेशन दी जाती है। शालिवाहन नहीं, शालिवाहन ये सातवाहन साम्राटों का नाम है, सातवाहनों को ही शालिवाहन कहा जाता है। सालाहन यानी प्राकृत वर्ण है, आज उसे शालिवाहन कहा जाता है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण बात है, गुड़ी उभारने का जो मतलब है ये है, सातवाहनों का जो गौतमी पुत्र सातकर्णी नाम का सम्राट है, इन्होंने शक क्षत्रपों का पराभव करके महाराष्ट्र में अपना अधिकृत तरीके से महाराष्ट्र में सातवाहनों का अधिराज्य घोषित कर लिया। तो ये महत्वपूर्ण बात ये है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ये बौद्ध धर्म का बड़ा अनुयायी है, उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है, इसकी जानकारी हमें मिलने वाली है और सातवाहन राजवंशों की सीरीज में हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। अभी ये जो शक संवंत है, वो शक संवंत जो है उसे निर्माता कनिष्क है, ये हमने जान लिया। तो शक संवंत कनिष्क होने के बावजूद भी लोग इसे कहते हैं कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने ये किया है। तो लगभग गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो कालखंड आता है ये है ईसा 106 से लेके ईसा 130, यानी 25 वर्ष तक तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने राज किया है। तो 78 में गौतमी पुत्र सातकर्णी कैसा शक संवंत स्टार्ट करेगा, ये महत्वपूर्ण बात है। महाराष्ट्र में इन्होंने गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक क्षत्रप जो थे नहपान का पराभव कर लिया और महाराष्ट्र में फिर उस शक संवंत को शालिवाहन शके कहना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो निर्माण है ये बौद्ध लोगों की निर्मित है, बौद्ध लोगों ने ये निर्माण किया हुआ है, ये महत्वपूर्ण बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बातें हैं ये बातें इन लोगों ने निर्माण की नहीं है, लेकिन इन्होंने अपना ली, अपनाने के बाद इसे अपना नाम दे दिया और इसे अपनाया और लोगों को बताया कि ये हिंदुओं की सबसे पुरानी संस्कृति है। लेकिन लोगों ये जब ये हम देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये बौद्ध धर्म के महान विचारों के लोगों ने बौद्ध धर्म में अनगिनत विद्वान होकर गए हैं, तो इन्होंने ये इंफॉर्मेशन हमें लोगों तक पहुँचाई है। और शक संवंत तो बौद्ध सम्राटों का एक महत्वपूर्ण देन है, ये हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद उसको विक्रम संवंत में बदल दिया। अभी जो कालगणनाओं के बहुत सारे संवंत है, विक्रम संवंत है, हिजरी कालगणना है, उसके बाद हम देखते हैं कि शक संवंत है। तो ये सारी बातें शालाहान शक्य, ये सब सारी बातें हमें ये पता चलती है कि बौद्ध सम्राटों ने दिया हुआ ये सब कुछ इन्होंने अपने नाम पे लिखा है। तो मैं कुछ इसके बारे में आपको बताने का कोशिश करूँगा कि बौद्ध धर्म को किस तरीके से राजाश्रय हुआ करता था, किस तरीके से लोगों को राजाश्रय मिलता था, बौद्ध धर्म के ऊपर किस तरीके से राजाश्रय दिया हुआ था। तो महाराष्ट्र में पुणे जिले में लोनावला के बाजू में कारला नाम का एक महत्वपूर्ण लेनी है, उस लेनी में गौतमी पुत्र सातकर्णी का एक शिलालेख है। उस शिलालेखों में क्या बताया मैं आपको पढ़कर बताता हूँ, आपके सामने ये रहा शिलालेख है। इस शिलालेख में मैंने आपको इस तरीके से डिकोड करके बताया था कि आपको भी जल्दी समझ में आएगा कि इसमें क्या लिखा है। तो अब अगर आप इसको पढ़ेंगे कि ये प्राकृत शिलालेख और इसमें क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अनपयति मामडे अमच परगत मसु येथ लेनेस वालुका वालुरकेश वाथवान पवजितान भिकुन निकायस महासंगेयान यपनत येत मामला हारे उतरे मगे गमे करंजके भिकुहल ददम एतस तु गाम करंजके भिकुहल ओय पापे ही एतस चस गामस करंजकान भिकुहल परिहार वितराम आप वेश अ परिहारिक च एते ही न परिहारे ही परिहार एतच चस गाम करंजके भिकुहल परिहारे च एथ निबधापेयी आवेन अवियेन आनत छतो विजय विजयठ सतारे दथो ठे पटिका सवप दिव शिवखंदकुटेन कटा। अब इसकी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या लिखा है। ये तो मैंने प्राकृत में बताया, अभी इसमें क्या लिखा है। तो मामड़ा यानी कि आज का जो मावल प्रांत है उसे आज लोनावला भी हम कहते हैं। इस मावल प्रांत में ये सबसे बहुत पुराना ये है। उस मावल प्रांत में इस गौतमी पुत्र सातकर्णी ने यह आदेश दिया हुआ है। दोस्तों ये विजयी आदेश होते थे, तो लोगों को ये बताया कि ये विजयी आदेश है लेकिन इसको आप लिख कर रखना है। तो इसमें क्या कहा है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने ये जो
वरलुक यानी कि आज का जो कार्ला लेनी है इसे कहा है कि मामड़ा मावल प्रांत में जो अमात्य था उस समय पुरुगुप्त उसका नाम था, उसको ये आज्ञा की है कि वरलुक लेनी में वास्तव्य करने वाले भिक्खुओं के संघ को, से महासंगिक लोग रहते महासंगिक संघ रहता था, उनके निर्वाण के लिए मावल विभाग के उत्तर यानी कि हम ये कह सकते कि वायव्य भाग में जो करंजक गांव है उस करंजक गांव में भिक्षुओं के लिए भिक्खु हल दिया यानी कि जमीन धम्मदान के तरह दिया है। और ये कहा है कि उस जमीन में को हमने ये उन्हें दान के स्वरूप में दी है तो वहाँ पे कोई भी अधिकारी प्रवेश नहीं कर सकता, किसी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि जो हमने उन्हें सवलती दी है, जो हमने उसे जो दिया हुआ दान है वो करंजक गांव भिक्खुहल की नोंद हम अपने दफ्तर में करवाए, ये आज्ञा विजयी भी हो, मुँह से दिया हुआ आज्ञा हो, फिर भी इसकी पट्टी का जो है वो संवत्सर 18 वर्षापक्ष चार और एक दिवस में शिवस्कंद गुप्ता ने तैयार की है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। ऐसा ही शिलालेख हमें नासिक में भी देखने को मिलता है। नासिक में भी हमें 3 नंबर में जो गौतमी पुत्र सातकर्णी का शिलालेख है उसमें भी संवत्सर यही आया है, 18 संवत्सर आया, और कारला में भी 18 आया है। नासिक में 18 वर्षापक्ष 2 और दिवस 1 है, और कारला में वर्षापक्ष 4 है और दिवस 2 है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो गौतमी पुत्र सातकर्णी के शिलालेखों में हमें पता चलती है। तो ये सारी बातें देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि ईस्वी सन 78 में कनिष्क ने शक संवत स्टार्ट कर दिया। आगे जाकर वो शालाहान सके सातवान सके कहने लगा कि बौद्ध धम्म उस समय विजय का दिन सेलिब्रेशन करते थे, तो उस विजय का दिन का गुड़ी पड़वा आज इन लोग सेलिब्रेशन करते हैं, और ये कहते हैं कि हमारे हिंदुओं का सन है, लेकिन पूरे हिंदुओं में ये सेलिब्रेशन ये सन साजरा होता नहीं है। इसकी महत्वपूर्ण बातें हम समझने की कोशिश कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बातें आज तक लोगों को पता नहीं है और हम आपको ये बताने की जरूरत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण बातें हम समझने की कोशिश करें, किस तरीके से बौद्ध संस्कृति को विकृति कर अपने विचारधाराओं में बांध कर उसे कहने लगे कि ये हमारी संस्कृति या हमारी विचारधारा है, लेकिन दोस्तों सच आखिर सच होता है, आप कितने भी छुपाने की उसको कोशिश करेंगे। तो जो भी हम गुड़ी पड़वा सेलिब्रेशन करते हैं तो दोस्तों ये बौद्धों की महान परंपराओं का है, और इसी बौद्धों ने इस देश को काल गणना दी है। तो दोस्तों इसको भूलना मत, ये विचार लोगों तक शेयर जरूर कर लीजिए ताकि लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी संस्कृति को किस तरीके से इन लोगों ने चुरा कर अपनी संस्कृति बना ली है, और विषमतावादी विचारधाराओं के लोगों ने इस समतावादी विचारधारा को नष्ट करने का जो कोशिश किया है, तो इसमें हम आपको बताने की ज़रूरत करें। तो दोस्तों इसको ही लोगों तक शेयर करना ना भूलिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो इसको शेयर करना ना भूलिए ताकि हर एक लोगों को सच्चाई पता चले और हम आपको सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो इसी के साथ मैं दोस्तों नए नए बातें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, नई नई चीज़ें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लोगों तक शेयर करना ना भूलिए ताकि सच्चाई उन लोगों तक पहुँचनी चाहिए जिन लोगों ने ये झूठी बातें फैलाई है। इन लोगों ने दूसरों की संस्कृति को मिटाने के लिए उन्हीं संस्कृति से कुछ बातें लेकर अपनी संस्कृति बताई है, ऐसी संस्कृतियों का पर्दाफाश करना ये हमारी जिम्मेदारी है, और हमारी सच्चाई को लोगों तक लाने की कोशिश करनी चाहिए, ये हमारी सच और एविडेंस के साथ रहने वाली सच्चाई है दोस्तों। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लोगों को बताओ कि इस भारत में बौद्धों का, इस बौद्ध धम्म का महत्वपूर्ण योगदान है, और आज जो लोग नफरतें फैला रहे हैं उन लोगों को ये बता दो कि इस देश की मिट्टी में बुद्ध की विचारधारा नीचे दबी हुई है, नीचे आज भी है। इस भारतवर्ष में जगह जगह के बौद्ध धम्म की विचारधाराओं के अनगिनत स्मारकों आज भी बौद्ध की विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं दोस्तों। तो ये सच उन्हें तक पहुंचा दो ताकि उनके कान के जो दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे, आँख के जो पर्दे हैं वो खुल जाएंगे, और उन्हें पता चलेगा कि नफरत फैलाने से सिर्फ नफरत ही मिल सकती है, अगर प्यार और मैत्री की भावना बढ़ाएंगे तो दोस्तों
इस देश अमन से रह सकता है, इस देश में शांति रह सकती है। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण बातें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई धर्म नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, विचारधारा है, जो विचारधारा लोगों को दुखों से मुक्त करने की कोशिश करती है, लोगों को दुखों से मुक्त करने का प्रयास करती है। तो दोस्तों, ऐसे विचारधाराओं को लोगों तक शेयर करने के लिए हमारे इस वॉइस ऑफ बुद्धिज्म यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर लीजिए। अगर आपको इस चैनल में जो भी बातें समझ में नहीं आ रही है, समझ में आ रही है, सबको अपने अभिप्राय देने की कोशिश कर लीजिए, और इसी के साथ इसको शेयर करना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि महत्वपूर्ण बातें हर लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म को सब्सक्राइब करके लोगों तक शेयर कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक भी जरूर कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।